गौहर जान एक सुरीली सी यहूदी लड़की जो हिंदुस्तान को दिल दे बैठी। गौहर जान को जन्मदिन मुबारक। आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर हम आपको बताते चलें कि वो अर्मेनिया की सुरीली आवाज़ थी यहूदी। नाम था एलीन एंजेलिना युवार्ड, पर हिंदुस्तान को दिल दे बैठी। क्या खूब गाती थी, यहाँ तक कि राजस्थान का घूमर भी गाया। बात है 1905 की। एलीन का नाम बदलकर हो गया गौहर जान। वे हिंदुस्तान की पहली लेडी सिंगर थी जिनकी आवाज ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड की गई। 26 जून 1873 को आजमगढ़ में जन्मी एलीन उर्फ गौहर एक कुशल कथक नृत्यांगना भी थी। वे गजल और ठुमरी की बाकमाल गायिका थी। दरअसल गौहर जान एक ऐसी पहली महिला रही हैं जिन्होंने ग्रामोफोन रिकॉर्ड किया हिंदुस्तान में पहली बार सन 1905 में। तो गौहर जान का जन्म आजमगढ़ में हुआ था, आजमगढ़ संबंधित हैं, और एंजेलिना योवार्ड उनका असली नाम था। उनके पिता आजमगढ़ में एक ड्राई आइस की फैक्ट्री में काम किया करते थे, यहाँ पे इंजीनियर थे, और बनारस में जाकर वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेती हैं, खुर्शीद से शादी कर लेती हैं उनकी माँ, और मलिका जान के रूप में मशहूर होती हैं। गौहर की भी परवरिश वहीं पे होती है, और शास्त्रीय संगीत में, डांस में सारी ट्रेनिंग उनकी बनारस से ही होती है। बनारस उस समय शास्त्रीय संगीत सिखाने का बहुत बड़ा मरकज़ हुआ करता था। फिर धीरे धीरे इनके प्रसिद्धि हुई, जब किंग जॉर्ज आए हिंदुस्तान में तो वहाँ भी दिल्ली में इन्होंने अपना कार्यक्रम किया था। फिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इनको तब मिलती है गौहर जान को जब ग्रामोफोन रिकॉर्ड करती हैं। पहला रिकॉर्ड करने वाली, ग्रामोफोन रिकॉर्ड करने वाली हिंदुस्तान की पहली महिला बनती हैं गौहर जान। 1905 में अपना ग्रामोफोन रिकॉर्ड करती हैं। सत्रह जनवरी 1930 को उन्होंने हमें अलविदा कह दिया, पर फिजा में एक आवाज़ अब भी गूंजती है, और यह आवाज़ है एक सुरीली सी यहूदी लड़की की जो हमारे हिंदुस्तान को अपना दिल दे बैठी। अशोक न्यूज़ की विनम्र श्रद्धांजलि। Subscribe our channel and click on a bell icon for the latest videos and updates.